जब मैं कह रहा हूँ मैं जिलाध्यक्ष बोल रहा हूँ तो इतनी गर्मी है क्या उस दरोगा के दिमाग में कि 10 तारीख को योगी जी सरकार नहीं आ रही? पहले भी भाई साहब योगी जी की सरकार आ रही है। जहां एक तरफ देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से आज देश का नागरिक मारा मेरा फिर रहा है, वहीं दूसरी तरफ नफरत की राजनीति की आग देश में फैलती जा रही है। कहीं मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनकर स्कूल में घुसने नहीं दिया जा रहा है तो कहीं ढोंगी बाबा धर्म संसद में मुसलमानों के नरसंहार के लिए लोगों को भड़का रहे हैं, तो कहीं बिहार में गाय के नाम पर मुस्लिम नेताओं की हत्या हो रही है, तो कहीं संघी और बजरंग दल के लोगों द्वारा मुस्लिम लड़कों को बलि पर चढ़ाया जा रहा है। इसी बीच आज दो और ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जहां खुलेआम एक भाजपा नेता स्टेशन में घुसकर दरोगा को धमकी दे रहा है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जो भाजपा की गुंडागर्दी की कहानी बयां करता है। तो वहीं दूसरी तरफ पोलिंग बूथ पर कब्जे का वीडियो सामने आया है जहां ईवीएम मशीन में वोट की हेरा फेरी की गई और इसका भी वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। देश में संघी गैंग और बजरंग दल जैसे कट्टर संगठनों की गुंडागर्दी किसी से छिपी नहीं है, लेकिन अब खुद देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भाजपा के नेता पुलिस स्टेशन में घुसकर दरोगा को डरा रहे हैं, उन्हें धमकी दे रहे हैं कि तुम्हारी पूरी गर्मी निकाल दी जाएगी। पता है ना, केंद्र में भाजपा सरकार है और हम भाजपा के जिलाध्यक्ष। अब एक बार इस वीडियो को देखिए, आपको पता लग जाएगा कि किस कदर भाजपा के नेता खुद ही गुंडागर्दी करते हैं और योगी जी अपनी रैलियों में गुंडागर्दी खत्म करने की डींगे हांकते रहते हैं। आप पहले इस वीडियो को देखिए। मैं उस मैटर में बात ही नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जंगल गाड़ी से कितने लोगों को उठाया उस दरोगा ने। जब मैं कह रहा हूँ मैं जिलाध्यक्ष बोल रहा हूँ तो इतनी गर्मी है क्या उस दरोगा के दिमाग में कि 10 तारीख को योगी जी सरकार नहीं आ रही? पहले भी भाई साहब योगी जी की सरकार आ रही है, ये इसके दिमाग में गर्मी है, गर्मी सब कर लेंगे हम। ये बात मत कहिए, उन्होंने मुझसे पहले भी एक बार अभद्रता का व्यवहार किया है। वीडियो में दरोगा को धमकाने वाला आदमी भाजपा जिला अध्यक्ष धर्मवीर लोधी, जो दरोगा को ही पुलिस स्टेशन में घुसकर ऐसे धमका रहा है जैसे उसके बाप का राज हो। वही दूसरी खबर आई है यूपी से, जहां अपनी हार को देखकर भाजपा पूरी तरह से बौखला गई है और मतदान केंद्र में धांधली पर उतर आई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। यहां एक आदमी सभी लोगों के वोट खुद ही डाल रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना, एक आदमी सभी लोगों के वोट डाल रहा है। आप एक बार इस वीडियो को देखिए। ले जाओ घर, ले जाओ घर, चले दो, हम कहाँ डालते हैं, हम क्या को डरते हैं, जहाँ डरते डाल, हम क्या को डरते हैं, डाल डाल ना, फिर सारे सम्मान वोटे ना डाल जाने, इनमें में तो वायरस हो डाल, बीजेपी बीजेपी गिरिराज बुला रहे तो फिर कंप्लेंट पहुंच गई। बुला रहे तुम्हें देखा आपने दोस्तों किस कदर यूपी में धांधली जारी है। अपनी हार से बौखलाए भाजपा के नेता कहीं गुंडागर्दी कर रहे हैं तो कहीं सीधे पोलिंग बूथ को ही कैप्चर करके खुद ही सारे वोट डाले जा रहे हैं। लेकिन हम अपने चैनल के जरिए पूछना चाहते हैं कि क्या चुनाव आयोग आंखें बंद करके सो रहा है, जो चुनाव आयोग को ये सब दिखाई नहीं दे रहा है और पोलिंग बूथ पर होती धांधली पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है? क्या सच में चुनाव लोकतंत्र तरीके से हो रहा है? क्या ऐसी वीडियो देख कर आपको नहीं लगता कि चुनाव नहीं बल्कि जनता के साथ एक भद्दा मजाक हो रहा है? बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।